मुत्तहदा एहतजाजी कमेटी बराए फलस्तीन की जानिब से आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। मुत्तहदा एहतजाजी कमेटी फॉर फलस्तीन, इसके जिम्मेदारान सब लोग, तमाम सियासी जमातों के जिम्मेदारान, तमाम यानी समाजी तंजीमों के जिम्मेदारान इसमें है। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने खास तौर से उर्दू के साथ साथ मराठी प्रेस के हमारे भाइयों को भी यहाँ मदु किया है, इसलिए मैं हमारे उर्दू प्रेस वाले भाइयों से की इजाज़त से शुरू में इब्तिदा में बात मराठी प्रेस वालों से करेंगे, उसके बाद फिर उर्दू में बात करेंगे अगर आप लोगों की इजाज़त हो। मराठी पत्रकार बंधुनों, ही प्रेस कॉन्फ्रेंस एक समिति गठित करण्यात आलेली आहे नांदेड जिल्ह्यासाठी किंवा नांदेड शहरासाठी, त्या समितीचं नाव देण्यात आलेलं आहे मुत्तहदा एहतजाजी कमेटी, म्हणजे संयुक्त निषेध व प्रार्थना फलस्तीन साठी करण्याकरिता समिती। या समितीमध्ये नांदेड शहरातील सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांनी सहमती दिलेली आहे, त्याचबरोबर सर्व नांदेड शहरातील मुस्लिम समाजामध्ये वेगवेगळ्या सामाजिक संघटना ज्या कार्यरत आहेत त्या सर्व सामाजिक संघटनांचे, धार्मिक संघटनांचे सर्व पदाधिकारी या समितीत आहेत। या समितीमध्ये सर्व सदस्य जवळपास 75 लोक आहेत नांदेड शहरातील, आणि हे 75 लोक मिळून सर्व राजकीय पक्षाचे आहेत, सर्व धार्मिक आणि सामाजिक संघटनांचे जबाबदार आणि प्रतिनिधी या समितीमध्ये आहेत। याचा उद्देश ही समिती का स्थापन करण्यात आली आणि या समितीचं काय काम आहे हे थोडक्यात मी आपल्या समोर सांगत आहे। फलस्तीन, ज्याला पॅलेस्टाईन म्हणतात, अरब लोकांच्या हजारो वर्षापासून मुस्लिम धर्मीय अरब लोकांची ही लोकवस्ती होती, हजारो वर्षापासून। प्रेषित मोसेस, ज्यांना यहुदी लोक आपले सर्व काही मानतात, प्रेषित मानतात, प्रेषित मोसेस ज्यांना उर्दू हिंदी मध्ये आम्ही मूसा अलैह सलाम म्हणतो, त्या प्रेषित मोसेसच्या पूर्वी सुद्धा, त्यांच्या पूर्वी सुद्धा या पॅलेस्टाईन या धरतीवर अरब मुसलमानांची ही धरती होती, मुसलमानांचा हा देश होता, अरब मुसलमानांचा। त्यानंतर 1948 मध्ये, जेव्हा 1917-18 मध्ये, 14-18 मध्ये पहिले महायुद्ध झाले, त्या पहिल्या महायुद्धानंतर जर्मनीमधील हिटलरने यहुदी लोकांवर खूप अत्याचार केला, 80 लाख यहुदी लोकांपैकी 60 लाख लोकांना त्याने गॅस चेंबरमध्ये डांबून ठार मारलं। त्याच्यामुळे बाकी राहिलेले यहुदी लोक इकडे तिकडे पळू लागले, त्यांना कोणीही जेना आश्रय देत नव्हता। त्यावेळेस फलस्तीनच्या पॅलेस्टाईनच्या या मुस्लिम अरब लोकांनी त्यांना शरण दिलं, त्यांना पनाह दिली, त्यांना राहण्यासाठी संधी दिली। आता जरा ये, जरा ये, त्यानंतर या पॅलेस्टाईन मध्ये या लोकांनी स्वतःची, म्हणजे
जागेवर अतिक्रमण केलं फलस्टाईनच्या आणि करत करत 1948 पर्यंत त्यांनी तिथे आपली सत्ता स्थापन केली आणि त्यानंतर 1948 मध्ये आपला स्वतंत्र देश म्हणून फलस्टीनचा फलस्टाईनचा अर्ध्यापेक्षा जास्त भाग घेऊन त्याची घोषणा केली त्यांनी. आपल्या भारत देशाने 1948 पासून आजपर्यंत कधीही त्याला मान्यता दिलेली नाही. इवन अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना सुद्धा त्या देशाला भारताची मान्यता नव्हती. त्या फलस्तीनची आवाज त्या फलस्तीनची जगातील सर्व मुस्लिम धर्मियांसाठी अत्यंत धार्मिक महत्व आहे. कारण मक्का आणि मदीना नंतर तिसरं सर्वात महत्वाचं पवित्र स्थान मस्जिद अक्सा तिथे आहे आणि त्या मस्जिद अक्सा मधवर यहुदी लोकांनी कब्जा केलेला आहे आणि आज सुद्धा त्या ठिकाणी नमाजला जाणाऱ्या बायांना लहान लेकरांना अत्यंत वाईट वागणूक दिली जाते. अनेकदा गोळ्या घातल्या जातात. त्याच्यावरूनच हे परवाचं जेना युद्ध सुरू झालेलं आहे. तर या युद्धामध्ये आंतरराष्ट्रीय कायद्यांची पायमल्ली करत इस्रायलच्या राज्यकर्त्यांनी निष्पाप सिव्हिलियन लोकांवर जे बॉम्ब हल्ले करत आहेत, बायांवर लहान लेकरांवर जे बॉम्ब हल्ले करून त्यांना ठार मारत आहेत, जवळपास या 7 ऑक्टोबर पासून आजपर्यंत जवळपास 50,000 सिव्हिलियन त्यांनी मारले आहेत. सिव्हिलियन युद्ध असताना सैनिकांना या सैनिकांनी त्या सैनिकांना मारलं तर ते चालू शकते, पण आंतरराष्ट्रीय कायद्यामध्ये सुद्धा सिव्हिलियनवर आक्रमण करता येत नाही. मशिदींवर आक्रमण करत आहेत, हॉस्पिटल्सवर आक्रमण करत आहेत आणि निष्पाप लोकांना ठार मारत आहेत. त्याचा निषेध करणे हे प्रत्येक मानवतावादी व्यक्तीचं हे कर्तव्य आहे आणि ते निषेध व्यक्त करण्यासाठी आम्ही ही समिती गठन केलेली आहे. आणि या समितीतर्फे येणाऱ्या 5 नोव्हेंबरला नांदेड येथील ईदगाह मैदानावर एक कार्यक्रम, एक जाहीर सभा आणि त्याचबरोबर दुआ प्रार्थना सभा ही प्रार्थनेसाठी आणि लोकांना ज्यांना हे जे अत्याचार होत आहे, हे जे अन्याय होत आहे याविरुद्ध लोकांना माहिती देण्यासाठी एक जाहीर सभा कायद्याच्या क्षेत्रात राहून अतिशय शांततापूर्वकपणे आम्ही पार पाडणार आहोत. त्याच्यासाठी त्याची माहिती देण्याकरिता आपल्याला या ठिकाणी निमंत्रित केलेलं आहे. आपण या ठिकाणी आलात. त्या कार्यक्रमाची रूपरेषा अशी आहे की त्याच्यात एक तर मुस्लिम आणि इतर धर्मीय लोकांना सुद्धा आम्ही बोलावीत आहोत. शीख बांधवांपैकी त्यांचा एखादा प्रतिनिधी, दलित बांधवांपैकी त्यांचा एखादा प्रतिनिधी, मराठा बांधवांपैकी त्यांचा एखादा प्रतिनिधी, अशा प्रकारे इतर धर्मीय लोकांच्या नेत्यांना, राजकीय जे नाहीत अशा लोकांना आम्ही बोलावणार आहोत. स्थानिक बाहेरचा कोणी मोठा नेता राज्य पातळीवरील किंवा राष्ट्रीय पातळीवरील कोणत्या नेत्याला आमंत्रण दिलेलं नाही. स्थानिक आम्ही बसलेले हे सगळे जण जे आहेत हेच तिथं राहणार आहेत आणि यांच्या सोबत धर्मगुरू राहणार आहेत. वेगवेगळे आमचे जे ग्रुप्स आहेत त्याच्यातल्या 2-3 ग्रुप्सचे धर्मगुरू राहणार आहेत आणि ते फलस्तीनची ही जी थोडक्यात दिलेली मी माहिती आहे त्याला सविस्तरपणे माहिती तिथं लोकांना दिली जाईल आणि दुआ केली जाईल ईश्वर चरणी की हे अल्लाह, हे ईश्वर, हे परमेश्वर, इस्रायलच्या लोकांना सद्सद विवेक बुद्धी दे आणि त्यांनी ठीक आहे राजकीय लढा चालू द्या, परंतु सिव्हिलियन्सवर, निष्पाप लोकांवर बॉम्ब हल्ले करणे त्यांनी बंद केले पाहिजेत आणि त्यांच्या या कृत्याला आम्ही निषेध करत आहोत. यासाठी ही ज्यांना सभा येणाऱ्या 5 तारखेला रविवारी दुपारी 2 ते 5 मध्ये आम्ही घेण्याचं ठरविलेलं आहे. यासाठी आम्ही पोलीस प्रशासनाकडे सुद्धा पत्र दिलेलं आहे. पोलीस प्रशासनाने आम्हाला उत्तर पण दिलेलं आहे
आणि त्या हिशोबाने आम्ही कायद्याच्या चौकटीत राहून हे सर्व करणार आहोत. उर्दू में आप बोल देते सत्ता का, उर्दू में आप बोल आप मैच बोलो उर्दू में मराठी सर तकरीबन मैं एक मिनट बोलिए. तमाम तर तफसीलात हमारे वकील साहब ने बहुत अच्छे अंदाज में मराठी भाषा में पेश किया है और यहाँ पर सभी मराठी और उर्दू के पत्रकार और मीडिया ग्रुप्स के लोग यहाँ मौजूद हैं. इन तमाम की मौजूदगी में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से हम अवामुन्नास को ये पैगाम देना चाहते हैं कि मज़लूम फ़लस्तीनी अवाम के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जो ज़ुल्म सितम के पहाड़ खाए जा रहे हैं और बिला वजह उनका मासूमों का खून बहाया जा रहा है, औरतों को हलाक किया जा रहा है, बच्चों को हलाक किया जा रहा है हॉस्पिटल्स पे. अभी आपने मराठी में बताया तो समझ में आ रही है, बात रही है. हमारे तो प्रधानमंत्री भाई आए हुए, उनको वक्त का तकाजा है कि मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भी मुख्तसर में ही रख रहा हूँ. मुझे जो है सभी ने बोला है कि उर्दू में बोलो तो मैं बोल रहा हूँ. बाद में सवाल कीजिए ना आप. तो अब यह है कि हम अवामुन्नास को ये अपील करने जा रहे हैं कि आने वाली 5 तारीख को जो ईदगाह ग्राउंड पर एक एहतजाजी जलसेआम मुनाकिद किया गया है और इसमें दुआइया नशीस रखी गई है, इसमें मर्द और ख्वातीन दोनों को भी बुलाया गया है. तो जुमा के ज़रिए से और मीडिया के ज़रिए से, मीडिया के हवाले से ये बात हमारी पहुंचाई जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग वहां पहुंचें और मज़लूम अवाम फ़लस्तीनी अवाम के लिए दुआ करें और अपनी आवाज उनके खिलाफ इसराइल के खिलाफ बुलंद. चलिए आप लोग अपने सवाल कीजिए, जरा एक एक से कीजिए. बोले तो हाँ बोलिए. संचारबंदी जारी केलेली आहे, त्या संदर्भामध्ये तुमची सभा 5 तारखेला आहे, तर पोलिसांनी जर परवानगी नाही दिली तर आपण काय करणार? देऊ उत्तर. पहिला मुद्दा असा आहे की संचारबंदी नाही, कलम 144 लावलेला आहे. कलम 144 मध्ये कलेक्टर साहेबांचा जो आदेश आहे तो आदेश आहे की राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग आणि इतर रस्त्यांवर अशा प्रकारचं आंदोलन, निषेध किंवा जे ना धरना अशा प्रकारचं तुम्हाला करता येणार नाही. आमचं हे आंदोलन नसून, हे कोणतं आंदोलन नाही, हे काही धरणा प्रदर्शन नाही आणि हे कोणत्या रोडवर नाही, हे जे आहे एक जाहीर सभा प्रार्थनेसाठी आणि माहितीसाठी आहे. आणि आम्हाला त्यांनी 149 CRPC जी नोटीस दिलेली आहे ती नोटीस म्हणजे आमच्या परवानगीच्या पत्राला उत्तर म्हणून दिलेली आहे. आणि त्याच्यात त्यांनी लिहिलेलं आहे की तुम्ही हे कार्यक्रम करत असताना ह्या ह्या गोष्टींची काळजी घ्या, म्हणून आम्ही त्याला परवानगी समजत आहोत आणि परवानगी आहे म्हणून आम्ही हे कार्यक्रम करत आहोत. सही आहे. बहुत ज्यादा एहतराम के साथ आपको ये बात कहना चाहूंगा कि आपको पहले, आपको, मुझे, हम सबको ये समझना चाहिए कि इज्तिमाई नुमाइंदगी किसे कहते हैं. और किसी भी चीज का नतीजा जो है, कोई ऐसा नहीं नतीजा निकलता कभी भी इज्तिमाई मामलात में कि कल एक जलसा लिए और परसों के दिन जो है उसका रिजल्ट आ गया, ऐसा होता ही नहीं.
हमारे जज्बात और हमारे एहसासात हुकूमत और हुकूमत के जरिए से सारी दुनिया को पहुंचाने के लिए इज्तिमाई तौर पर जलसा हुआ करता है। हिंदुस्तान के और नांदेड़ के मुसलमानों के क्या जज्बात हैं? नांदेड़ के मुसलमान फलस्तीन के साथ हैं या नहीं हैं? नांदेड़ के मुसलमान फलस्तीनियों पर जो जुल्म हो रहा है उस जुल्म के खिलाफ पुरअमन तरीके से कानून के दायरे में रहकर एहतजाज करते हैं या नहीं करते हैं, ये बताने के लिए जलसा होता है। जलसा किसी और मकसद के लिए नहीं होता है। और बोलिए, इस एहतजाज के लिए एहतजाजी कमेटी बनाई गई है जिसमें तकरीबन एक दो नंबर कम ज्यादा हो सकता है 75 अफराद हैं और 75 अफराद मुख्तलिफ तंजीमों से वाबिस्ता हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबिस्ता हैं और मुख्तलिफ जो है मजहबी तंजीमों से वाबिस्ता हैं। सभी को इसमें लिया गया है। 75 अफराद की एक कमेटी है। सुन्नी जमात में उसमें ऐसा है कि ऐसा सुन्नी जमात नाम की, सुनिए, सुन्नी जमात नाम की कोई जमात नहीं है उसमें। कैसा है कि रजा एकेडमी एक उनकी तंजीम है, रजा एकेडमी एक तंजीम है और मुख्तलिफ तंजीमें हैं, छोटी छोटी तंजीमें हैं। तो उसमें जो है हमने बहैसियत आलम दीन के, हमारे जहन में है, अभी तय नहीं हुआ है, आप इसे छापे नहीं, आप पूछ रहे हैं इसलिए बोल रहा हूँ। हमारी ये जो 11-12 अफराद की कमेटी जो उसमें जो फैसला साज है वो लोग तय करेंगे कि भाई उसमें तकारीर जो करना है तो वो तकारीर में हर मसलक, खासतौर से सुन्नी मसलक के एक आलम दीन, तबलीगी देवबंद के मसलक के एक आलम दीन और अहले हदीस के एक आलम दीन, ऐसे तीन लोगों को हम मधु करना चाहते हैं। वो हम कल परसों तक तय करेंगे और उसके बाद इत्तला करेंगे। आमची अपेक्षा अशी आहे की कमीत कमी 5-10 हजार लोक येतील। अभी मुत्तहिदा एहतजाजी कमेटी की तरफ से खास तौर से जनाब मौलाना अय्यूब हाशमी साहब की सदारत में तमाम मसाजिद के उलमाए इकराम को, आइम्मा मसाजिद को बुलवा कर उन्हें ख़ास तौर से इस बात की, नौजवानों को, मुसल्लियान को, हमारी माँ बहनों को, सभी को ये ताकीद की जाएगी कि ये जो प्रोग्राम ले रहे हैं, जो जलसा ले रहे हैं, इस जलसे के अंदर अमन व अमान का ख्याल रखा जाए। आते वक्त और जाते वक्त प्रोग्राम के आगाज़ से लेकर उसके खात्मे तक और अपने घरों की वापसी तक का पूरा प्रोग्राम मौलाना अय्यूब साहब हाशमी बताएंगे। इसके लिए वो मस्जिद में एक प्रोग्राम रखा गया है, आइम्मा मसाजिद को समझाएंगे और उसी नहज पर आइम्मा मसाजिद जुमा के दिन मुसल्लियान के सामने उन तमाम चीज़ों को, उस बात को रखेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग आपको यहाँ पर आज नज़र आ रहे हैं ये तमाम सियासी जमातों से इनका ताल्लुक़ है और उन 70-75 लोगों के अंदर तमामी मजहबी रहनुमा है और ये सब लोग मिलकर इस प्रोग्राम को ले रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। और आप देखते हैं कि जहां प्रोग्राम रखा गया है वो ईदगाह का मैदान है और उसकी दूसरी जानिब आप और एक चीज पर गौर करेंगे कि इसके अंदर खुसूसी तौर पर मस्तूरात को उसके अंदर इन्वाइट किया गया है, औरतें भी इसके अंदर शामिल रहेंगी, हमारी माँ बहनें भी शामिल रहेंगी। तो इंशाअल्लाह ताला पूरी पूरी इस बात की कोशिश की जाएगी और इससे पहले भी कई एहतजाजी जलसे हुए हैं, मुजाहरे हुए हैं, कलेक्टर ऑफिस के सामने भी मुजाहरा हुआ, NRC के मौके पर, बरकत कॉम्प्लेक्स के सामने भी हुआ। एकाद वाकया अगर ऐसा हो भी जाता है तो शहर के लोग उस वक्त में जमा होकर बरकत कॉम्प्लेक्स में आए और अल्हम्दुलिल्लाह अमन की बहाली के लिए जो काम कर रहा था किया उन लोगों ने। उसके बाद देख लो ना के हुए, अब पीछे जाते हैं। कब्रिस्तान का कहां है? अभी बैक फुट पे आते
और हमारे मुस्लिम रहनुमा अगर कमजोर हो जाते तो शायद ये प्रोग्राम रखते ही नहीं आज। जो ग्राउंड होना था ग्राउंड के लिए और उसमें जो लेडीज को इन्वॉल्व करे उसके लिए रोड पे लेके नहीं आना चाहिए लोकपाल ग्राउंड पे लिया गया। और खास कर इसमें जो हमको जो बताना है कि जो फलस्तीन पे जो अफवाह होता तो हमें जो फैसला हुआ जब इसराइल के खिलाफ हो हम ये चाहते कि आज जो गम का माहौल है और जिस तरह से आज नांदेड़ शहर के जो अवाम पे अवाम को एक यह है कि भाई हम क्या कर रहे हैं मुस्लिम समाज हो या हम समाज का लोग इसमें इन्वॉल्व करकर उनके लिए जो गम का इशार करना चाहिए इसलिए ज्यादा से ज्यादा तादाद में वहाँ लोग आ सकते इसलिए ईदगाह ग्राउंड पे रखा गया कोई बैकवर्ड पे गया नहीं है पीछे गया नहीं है अल्लाह के फजल से सभी फुल जमात बोल के इसमें लिया गया और इसमें हर वक्त पार्टी के लोग आए और हमारे जिस तरह से हिंदू भाई उसमें हम इन्वॉल्व करने वाले इससे पहले भी हम लोगों ने अल्ताफ सामने फलस्तीन का ही एक जलसा अपने ईदगाह ग्राउंड पे लिए थे और उसका मेमोरेंडम अपने देख लो लाके भी दिए थे इससे पहले लिया गया प्रोग्राम क्योंकि ज्यादा से तादाद में आने वाले लोग हैं इसलिए ईदगाह ग्राउंड पे रखा गया। सियासी शख्स से मुराद नहीं वो अभी हम तय नहीं किए हैं वो इंशाल्लाह हम एक दिन पहले सियासी से मुराद नांदेड़ के लोकल सियासी हाँ इंशाल्लाह वो हम एक दिन पहले तय करेंगे। नहीं हमने ये जो 75 लोगों की जो कमेटी बनाए हैं ये 75 लोगों की कमेटी को पहला हमने ये तय किया है कि ये सब अपने जेब से पैसे देंगे जो भी अखराजात होंगे उसके और अल्हम्दुलिल्लाह 75 लोगों में से तकरीबन 50-60 लोगों ने पैसे दिए भी हैं और देने का वादा भी किए हैं इंशाल्लाह और कम पड़ेंगे तो पैसे वही 75 लोगों से लेंगे उसके बाद अगर खुदा ना खास्ता पैसों की कमी होगी तो ऐलान किया जाएगा ऐलान करके उसके बाद ऐलान के एतबार से फैसला किया जाएगा। यस एवढंच नाही तर जे काही बिल्डिंग पाडल्यात त्या इस्रायलने त्या बिल्डिंगच्या खाली खाणी आहेत आणि ते आजकाल ते पण दाखवले की खाणी खाली खाणी आहेत ते बॉम्बोली गुण मध्ये आतंकवादी आहेत आणि हा सर्वांचा खात्मा करण्यासाठी इस्रायल पुढाकार घेते असं म्हणजे आतापर्यंत जे काही नॅशनल टीव्हीवर दाखवलं त्या मला कळलं आता तुम्ही जे आज सांगितलं ते वेगळं आहे नाही त्याच्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागेल त्याच्यासाठी तुम्हाला जे ना एक तर थोडासा अभ्यास म्हणजे करावा लागेल म्हणजे इतिहास काय आहे आणि त्यानंतर आजची परिस्थिती काय आहे आणि आपला मीडिया तर आपल्याला माहीतच आहे की कसा आहे त्याबद्दल आम्ही काही बोलणं योग्य राहणार नाही तो आमचा आतंकवादी थोड़ी है गाजा पट्टी पे जो जो असली मुल्क फलस्तीन है वहां बसाया गया और ये जिस तरह से इसराइल को पनाह देने के वास्ते वहां जगह दी गई असली मुल्क तो फलस्तीन का है वो लोगों का है जो जिस तरह से आप बता रहे कि जो आतंकवादी आतंकवादी है तो जो 50,000 जो मासूम बच्चों पे जो उसके लिए आप बताइए कौन आतंकवादी है आप देखिए और मीडिया देखिए जब मजलूमों पे जब अत्याचार हो रहा जो हॉस्पिटल पे बम बरसाया जा रहा कौन आतंकवादी है आप देखिए क्योंकि जो तरह से मीडिया जो बता रही तो आज अफवाह तो था फैसला क्यों लिया भाई कि जब इसराइल को बैन लगाया जाए और रोका जाए बल्कि इतना कुछ है ना जब फलस्तीनों ने जब इनको दिए जगह जो फलस्तीन एक मुल्क है जबकि हिंदुस्तान में हमारे जो इंदिरा गांधी जो थे खासकर उसको मान्यता दिया गया था आज हिंदुस्तान कभी भी फलस्तीन के साथ रहा इसराइल के साथ में रहा आज भी हमारे प्रधान मोदी जी ने पहले लिया पर बाद में जो हमारी गवर्नमेंट ने जो सहायता पहुंचाई छुटिया था जिस तरह से हमारे प्रधान ने वहाँ पे जो मदद भेजी है और फिर हम भी ये चाहते हैं कि आप मीडिया आप ये बताइए कि आज जो मुस्लिम मजलूम पे जो अत्याचार हो रहा वो सही है कि गलत है हम ये चाहते हैं कि आप भी इसमें
हमारी मदद करके एक निषेध एक जज्बा थी जो हम अपना गम ऐसा कर सकते ना, गम का तो दे सकते ना, दुआ तो कर सकते ना उनके ऊपर जो बता रहे क्या, जो आज जो आज अपने जो आतंकवादी बोले जो मीडिया बता रही, तो आज 50 साल से जो है जो जिसका खुद का मुल्क रह के उनको आतंकवादी बता रहे, ये बड़ी सोचने की बात है। आजादी की तहरीक वो आजादी के लिए मुल्क की आजादी के लिए लड़ रहे, आतंकवादी नहीं हो सकते, मुल्क के वजूद के लिए लड़ रहे। दूसरी चीज कारण वेगवेगळे आहेत त्याच्या, नहीं दूसरी चीज ये है कि हमारी जो इंडिया की शुरू से जो पॉलिसी रही है वो फलस्तीन के ताल्लुक से सपोर्ट में रही, ताईद में रही, हिमायत में रही। अगर गाजा या फलस्तीन में आतंकवादी होते तो हिंदुस्तानी हुकूमत कभी उनको सपोर्ट नहीं करती। और कोई किसी का कुछ सवाल है? और कोई सवाल है तो बोलिए। क्या बोल रहे हैं? ये फैसला साज कमेटी है। जी जी जी, ये बैठे हुए जिम्मेदार है, ये जो बैठे हुए हैं पूरे जिम्मेदार। एडवोकेट रहमान सिद्दीकी साहब है, वही वही थोड़ा जोर, थोड़ा जोर, जरा एक मिनट, दूसरे लोग आवाज कम। बोलिए ना, अभी बोलिए। सत्तार साहब का और ये मोहल्ले में ये गली में एक 10-20 फैमिली बगैर कुर्ते के बगैर खाई पिए के घूम रहे, तो उनके धक्के मार हमारे पास नहीं, यहाँ जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ, इन्होंने क्या के रहीम कहा के भी मेरे पास आ गए ऐसे पूछो ना। अब रहीम खा के रहने लगे, करते करते लोग खाना पीना सब सप्लाई किए, अब होते होते क्या करे, थोड़े थोड़े लोग बोले भाई यहाँ जाएगी नहीं वहाँ जाएगी नहीं, बोलते फैलते गए। जब इनके बच्चे बड़े हो गए तो उनको तो मालूम हमारे बाप की जगह दूसरे लोग कब्जा कर रहे, तो वो बच्चे आज बंदूक उठाए गए, वो आतंकवादी नहीं है, वो अपनी ये पाकिस्तान फंक्शनर को बचाने के लिए उनके बच्चे लड़ रहे हैं। अब उसकी मीडिया क्या कर रही है, उसको गलत तरीके से इंडिया की मीडिया ये कर रही है, और दुनिया की कोई मीडिया गलत न्यूज नहीं दे रही सिवाय इंडिया की। मैं पटंकी की चोट कहता हूँ कि सिवाय इंडिया के कोई मीडिया उसको आतंकवाद नहीं कह रही है, सिर्फ इंडिया का मीडिया है। इसीलिए रवीश कुमार कहते हैं कि इंडिया का टीवी कभी नहीं देखना, सब गलत न्यूज देता है। एक मिनट, आप तमाम सहाफी हजरात, हमारे भाई मराठी के तमाम पत्रकार भाइयों का दिल की गहराइयों से, ये सारी कमेटी की ओर से, 75 लोगों की कमेटी की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई इसका ऐलान करता हूं और उम्मीद करता